अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मारूफ मच्छी, उसका फ्राई। इसे किस तरह फ्राई करते हैं चलिए फ्रेंड्स देख लेंगे। सबसे पहले मच्छी को अच्छे से हम साफ कर लेंगे, 7-8 पानी से अच्छे से हम इसे धो लेंगे। इसमें बहुत सारा खून होता है, इसलिए हम इसे अच्छा धोना ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसे अच्छा साफ करना ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं 1 किलो मारूफ मच्छी मंगवा ली हूँ। अब हम इसमें बाकी के मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले 1 चम्मच भर के मिर्ची पाउडर डाल देंगे हम इसमें। ये बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स, आप खा एक बार इस तरह फ्राई करके खा कर देखिए, बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी होती है, इस तरह फ्राई कीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के नमक, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर डालकर, अब हम इसमें जो बाजार में रेडीमेड फिश का मसाला आता है वो हम इसमें लगभग 4 स्पून के बराबर हम इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स। देखिए यही है वो मसाला, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। बहुत सिंपल से इसे बहुत आसानी से हम फ्राई कर सकते हैं मच्छी को। देखिए इसमें ना हम इसमें कोई फूड कलर डाले हैं, कोई बाकी के कोई मसाले मैं नहीं डाली इसमें, अदरक लहसुन तक नहीं डाली मैं। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, इस तरह आप भी फ्राई करके देखिए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। देखिए अब मिक्स करके रेडी हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने के लिए हमें तवे के ऊपर नहीं डालना है, इसे एक कढ़ाई में थोड़ा बढ़कर तेल लेकर, तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम 1-1 मच्छी के पीसेस को तेल में फ्राई करेंगे। देखिए अब हमारी कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम 1-1 पीसेस करके मछली को डाल देंगे। देखिए थोड़ा बढ़कर है ना तेल, इस तरह होना चाहिए, नहीं तो हमारी मच्छी अंदर से नहीं पकेगी, नहीं कुक होगी। इसलिए तवे के ऊपर नहीं सका मैं कढ़ाई में फ्राई कर रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।